दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोगों ने अपने अंदर के हुनर को दुनिया के सामने लाया है और लोगों को जिसका हुनर पसंद आया उसको अच्छी शोहरत और इज्जत मिली है। किसी ने अपना खेल दिखाया तो किसी ने अपनी अदाकारी दुनिया को दिखाई तो किसी ने अपना सुर सुनाकर कई लोगों का दिल जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले है टॉप 10 रिचेस्ट बॉलीवुड सिंगर के बारे में और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस सिंगर के पास कितना पैसा है और वो किस शहर से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, आपको भी जानना है कि कौन से वह सिंगर है जो सबसे अमीर सिंगरों में गिने जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, नीति मोहन। दोस्तों, नीति मोहन का जन्म 18 नवंबर 1989 को नई दिल्ली में हुआ था। नीति मोहन को बचपन से ही संगीत में दिलचस्पी थी। नीति मोहन ने अपने करियर की शुरुआत स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से इश्क वाला लव से किया था। नीति मोहन का दूसरा गाना जब तक है जान फिल्म से जियारे था। नीति मोहन के कुल नेटवर्थ की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति है 15 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपको ये अमाउंट भले ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने जीरो से शुरू किए हो उसके लिए ये अमाउंट बहुत ही बड़ा होता है। नंबर 9, नेहा कक्कड़। दोस्तों, नेहा कक्कड़ का जन्म 6 जून 1988 को ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ था। नेहा कक्कड़ ने 4 साल की उम्र से ही गाना शुरू किया। नेहा बचपन से भजन गाया करती थी और 18 साल की उम्र में इंडियन आइडल का हिस्सा बनी थी। तभी से इनकी किस्मत चमक उठी। 2008 में इन्होंने अपना डेब्यू एल्बम लॉन्च किया जिसका नाम था द रॉक स्टार, और उसमें इन्होंने काफी गाने गाए थे और वहाँ से इनकी आवाज पूरी दुनिया में फैलती गई और अब इनकी आवाज पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, अगर नेहा कक्कड़ की कुल संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति है 30 करोड़ रुपए और इस लिस्ट में नेहा कक्कड़ 9वें स्थान पर आती है। नंबर 8, मोहित चौहान। दोस्तों, मोहित चौहान का जन्म 11 मार्च 1967 को नाहान हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी सिंगिंग की ट्रेनिंग अपने दादाजी से ली और ये पहले फ्लूट, गिटार और हारमोनिका बजाते थे। इन्होंने अपने करियर का पहला गाना गाया डूबा डूबा, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद ऐसे ही इनका नाम फेमस होता गया। मोहित चौहान की कुल संपत्ति की बात करें तो मोहित चौहान के नेटवर्थ है 30 करोड़ रुपए और वो इस। नंबर 7, सोनू निगम। दोस्तों, सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ था। सोनू निगम ने 4 साल की उम्र में अपने पिता अगम कुमार के साथ मिलकर स्टेज पर अपना पहला गाना गाया जिसका नाम था क्या हुआ तेरा वादा। इसके अलावा वो अपने पिता के साथ शादियों और पार्टियों में गाया करते थे। सोनू निगम ने बॉलीवुड में अपना करियर 26 साल की उम्र में शुरू किया और अब इनका बॉलीवुड में बहुत ही बड़ा नाम है। सोनू निगम की कुल संपत्ति की बात करें तो इनके कुल नेटवर्थ है 36 करोड़ रुपए। दोस्तों, क्या आप भी सोनू निगम के गाने सुनते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, सुनिधि चौहान। दोस्तों, सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को नई दिल्ली में हुआ था। सुनिधि चौहान 4 साल की उम्र में पार्टी में गाया करती थी। इन्होंने अपने करियर का पहला गाना 12 साल की उम्र में शस्त्र फिल्म के रुकी रुकी सी जिंदगी से किया था। दोस्तों, मगर सुनिधि चौहान की कुल संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति है 80 करोड़ रुपए और ये इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है। नंबर 5, बादशाह। दोस्तों, बादशाह का पूरा नाम आदित्य प्रतीक सिंह है, लेकिन इन्हें बॉलीवुड में बादशाह के नाम से ही जाना जाता है। इनका पूरा नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। बादशाह का जन्म 19 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। ये भारत के जाने माने रैपर और सिंगर है। बादशाह 2018 में अपना पहला एल्बम शुरू किया जिसका नाम था वन, और इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो बादशाह के कुल नेटवर्थ थे 80 करोड़ रुपए और बादशाह आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जाना माना सिंगर है। नंबर 4, अरिजीत सिंह। दोस्तों, अरिजीत सिंह को कौन नहीं जानता। इनका लव सॉन्ग हर कोई के दिल को छू लेता है। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को जियागंज, वेस्ट बंगाल में हुआ था। इनका करियर तब शुरू हुआ जब एक रियलिटी शो में संजय लीला भंसाली ने इनकी आवाज सुनी और अपनी आने वाली फिल्म के लिए उन्हें सिलेक्ट किया। इसके बाद अरिजीत सिंह का नाम बढ़ता ही गया। अगर अरिजीत सिंह की कुल संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल नेटवर्थ है 85 करोड़ रुपए। दोस्तों, क्या आप भी अरिजीत सिंह के फैन हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, मिक्का सिंह। मिक्का सिंह का जन्म 10 जून 1977 को दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में हुआ था। ये भारत के जाने माने बहुत बड़े सिंगर हैं। ये काफी कॉन्सर्ट भी करते हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो मिक्का सिंह की कुल संपत्ति है 100 करोड़ रुपए और इस लिस्ट में मिक्का सिंह
तीसरे नंबर पर आते हैं। नंबर टू, हनी सिंह। दोस्तों, हनी सिंह का पूरा नाम हिरदेश सिंह है। हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 को होशियारपुर पंजाब में हुआ था। हनी सिंह भारत के टॉप रैपर में से एक है। इनका पहला सॉन्ग शकल पर मज्जा था। हनी सिंह की कुल संपत्ति की बात करें तो हनी सिंह की नेटवर्थ है 180 करोड़ रुपए और हनी सिंह को यूथ आइकन भी कहा जाता है। नंबर वन, श्रेया घोषाल। दोस्तों, श्रेया घोषाल का जन्म 12 मार्च 1984 को मुर्शिदाबाद वेस्ट। श्रेया घोषाल को कौन नहीं जानता, इन्हें भारत की कोयल भी कहा जाता है। इनके करियर का पहला गाना मराठी था। दोस्तों, श्रेया घोषाल की कुल संपत्ति की बात करें तो इनके नेटवर्थ है 185 करोड़ रुपए और इसी प्रकार से श्रेया घोषाल टॉप 10 रिचेस्ट बॉलीवुड सिंगर की लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। और श्रेया घोषाल के गाने को दोस्तों, यही थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप 10 रिचेस्ट सिंगर। दोस्तों, इन टॉप 10 रिचेस्ट सिंगर में आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।